हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आपका स्वागत है। काजल और अजय देवगन बॉलीवुड के पॉपुलर मैरिड कपल्स में से एक हैं। दोनों ने साल 1999 में शादी रचाई थी। इस शादी को लगभग 23 साल हो चुके हैं। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे न्यासा देवगन और योग देवगन हुए। अजय और काजल अपने इन दोनों बच्चों के साथ एक सुखद जीवन बिता रहे हैं। दोनों के लिए ये बच्चे बेहद खास हैं। दरअसल इन दो बच्चों को जन्म देने से पहले काजल का दो बार गर्भपात हो चुका है। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में किया है। दरअसल ह्यूमंस ऑफ मुंबई से बातचीत के दौरान काजल ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई राज खोले। उन्होंने न सिर्फ अपनी और अजय की लव स्टोरी सुनाई बल्कि ये भी बताया कि कैसे शादी के बाद उन्हें दो बार गर्भपात से गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं, काजल के अनुसार जब उन्होंने अजय से शादी की बात पापा को बताई थी तो उन्होंने कई दिनों तक उनसे बातचीत नहीं की थी। तो चलिए काजल का ये दुखड़ा और विस्तार से जानते हैं। काजल ने बताया कि वो अजय देवगन से फिल्म हलचल के सेट पर मिली थी। दोनों के बीच कब प्यार हो गया किसी को पता ही नहीं चला। पहली मुलाकात में काजल को अजय बड़े ही नकचरे लगे थे क्योंकि तब वे ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। वही काजल बड़ी बतूनी थी। खैर, दोनों बाद में एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों को प्यार हो गया, शादी तक बात भी पहुंच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोनों में से किसी ने भी कभी किसी को प्रपोज नहीं किया क्योंकि ये उनके लिए जाहिर सी बात थी कि वे एक दूसरे को चाहते हैं। काजल के अनुसार जब उन्होंने अपने घर अजय से शादी की बात छेड़ी तो उनके पिता ने उनसे 4 दिन तक बात नहीं की थी। अजय और काजल अपनी शादी को निजी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मीडिया को गलत वेडिंग वेन्यू बताकर बेवकूफ बना दिया। 2001 में काजल की कभी खुशी कभी गम फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट गई, लेकिन काजल इसका जश्न नहीं मना पाई क्योंकि उस दौरान उनका गर्भपात हो गया था। वो तब फैमिली प्लानिंग कर रही थी। उनकी फिल्म थिएटर में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी लेकिन वो गर्भपात की वजह से अस्पताल में थी। वो उनके लिए बेहद कठिन समय था। पहले गर्भपात के बाद काजल का दूसरा गर्भपात भी हुआ, लेकिन फिर भगवान के आशीर्वाद से काजल ने 2003 में बेटी न्यासा को जन्म दिया। वही साल 2010 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे युग को पैदा किया। इसके बाद काजल की सुनी गोद फिर से भर गई और सभी हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। काजल और अजय एक साथ कई फिल्मों में नजर आए। इसमें हलचल, इश्क, दिल क्या करे, राजू चाचा, यू मी और हम और 2020 में रिलीज हुई तन्हाजी शामिल है। काजल जल्द डिज्नी प्लस हॉट स्टार की एक वेब सीरीज में नजर आएगी। वही अजय की झोली में दृश्यम 2, सिंघम 3, दे दे प्यार दे का सीक्वल और स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान जैसी फिल्म है। ऐसे ही और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।